प्यारे बच्चों, बिल्कुल शांत होकर बैठिए और अपने शरीर में होने वाली गतियों को महसूस करें। जब आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, हमारे शरीर में अनेक गतियां अपने आप ही होती रहती हैं। देखो, आप हर थोड़े समय में अपनी पलकें झपकाते रहते हैं, है ना? जरा बताओ तो, जब आप नोटबुक पर लिखते हैं तो आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है? बिल्कुल सही, हाथ। जब आप मुड़कर अपने मित्र को बुलाते हैं तो आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है? आप चलकर स्कूल जाते हैं, पक्षी उड़कर, मछली तैरकर और सांप रेंगकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। इसके अलावा टहलना, कूदना, छलांग मारना, दौड़ना, ये सब भी जाने के ही ढंग हैं। याद करो, हम स्कूल में कैसे एक्सरसाइज करते हैं, कितना मजा आता है। एक्सरसाइज करते समय हमारे हाथ पैर किस प्रकार गति करते हैं? जब एक गेंदबाज गेंद करता है तो वह अपना पूरा बाजू पूरी तरह घुमा देता है। क्या इसके साथ वह अपने कंधे को भी वृत्ताकार रूप में घुमाता है? नहीं ना। इसी प्रकार हम अपनी बाजू को कोहनी से ऊपर नीचे करते हैं, बाजू को मोड़ते हुए अंगुलियों से कंधों को छूते हैं। इस तरह शरीर के कुछ अंगों को हम किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। एक स्केल लें और अपनी बाजू को इसके बिल्कुल बीच में रखें। अब स्केल को बाजू से अच्छी तरह से बांध लें। बांधने के बाद क्या आप अपनी कोहनी को मोड़ पाते हैं? अगर नहीं तो क्यों? हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ या घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से आपस में जुड़े हुए हों, जैसे कोहनी, कंधा, गर्दन आदि। इन स्थानों को हम संधि कहते हैं। We are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined together, like elbow, shoulder or neck. These places are called joints. अगर हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो क्या हम कोई गति कर पाते? इन संधियों को कौन सी वस्तु जोड़कर रखती है? आइए जानें। अपनी उंगलियों द्वारा अपने सिर, माथे, नाक, कान, कंधा, गर्दन, बाजू और हाथ पैर की उंगलियों को दबाइए। आपको अनुभव होगा कि जैसे आप किसी कठोर वस्तु को दबा रहे हैं। ये कठोर संरचनाएं अस्थियां हैं, यानी हमारी हड्डियां। इन्हें हम बोन्स कहते हैं। अस्थियों की ये संधियां शरीर को गति करने में सहायता करती हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कंदुकखलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। कागज या गत्ते को मोड़कर बेलनाकार बना लें। अब प्लास्टिक की पुरानी गेंद में छेद कर लें और इस बेलन को धीरे धीरे गेंद में डाल दें। गेंद को एक कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे सिर्फ गेंद घूम रही है और कटोरी नहीं, गेंद के साथ साथ कागज का बेलन भी घूम रहा है। मान लो कागज का बेलन आपकी बाजू है और गेंद इसका एक सिरा, तो कटोरी आपका कंधा है।
जिससे आपकी बाजू जुड़ी हुई है। कंदुकखलिका संधि में एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि के कटोरी रूपी गड्ढे में धंसा होता है। इन द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट द राउंडेड एंड ऑफ द वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी हॉलो स्पेस ऑफ द अदर बोन। चित्र में आप हमारे घुटने के बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट को देख रहे हैं, जिसमें एक हड्डी गोल बॉल की तरह है और दूसरी हड्डी खोखली कटोरी नुमा। दोनों एक दूसरे में फिट होते हैं और बनाते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट।